वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो हो गई है मॉर्निंग हमारी और घर का हो गया सारा काम भी। और अभी आज मैंने बाल धोए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरे लिए तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि आज संडे है, सैटरडे है, मंडे है, कुछ थर्सडे है, मैं किसी दिन भी बाल धो लेती हूँ। रीज़न बस यही है कि गर्मी है और गर्मी गर्मी तो मेरा डेली ही धुलता है। और बस आप नहा धो के घर का हो गया सारा काम कम्प्लीट और आप देख ही रहे होंगे सब साफ सफाई हो चुकी है, सब कुछ यहाँ पर हो गया है। और तो चलो कर लेती हूँ वीडियो की शुरुआत आपसे। और आप बनाने जा रही हूँ मैं चाय, तो चाय तो मैं आपसे डेली ही शेयर करती हूँ, तो मैंने कहा चलो आज चाय शेयर नहीं करूँगी क्योंकि आप लोग बहुत बोर हो जाओगे। और सभी से यही रहता है कि सपोर्ट करें, हम भी कोशिश करते हैं पूरी पूरी सपोर्ट करने की और सपोर्ट की गाड़ी से ही सब कुछ चलेगा। तो रोज़ रोज़ एक बात अच्छी नहीं लगती है, तो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट और मिलते रहेंगे बीच बीच पे जैसा भी चलता रहेगा जैसे भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना खाने वाने का हमारा कोई फिक्स नहीं होता है, एंड टाइम पे जो है डिसीजन चेंज हो जाता है कि अब क्या बनाना है। कुछ भी सोच कर रखने से ऐसा कुछ नहीं होता कि वो ये बनाएंगे, तो देखो दिन भर में कैसे हो पाता है। आप बनाने जा रही हूँ मैं चाय, तो आप लोग भी वेट कीजिए, चाय पीजिए, आराम कीजिए क्योंकि आजकल तो गर्मी का दिन है, बहुत से लोग चाय वगैरह नहीं पीते हैं लेकिन मैं पीती हूँ। मेरे तो कम हो जाती है, ये तो है कि कम हो जाती है लेकिन पीती जरूर हूँ। तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ थोड़ी थोड़ी सी बातें, तो चलो चलती हूँ रसोई में। तो फ्रेंड्स बस अभी जो है काम जो है निपटाया ही था, चाय वगैरह पी थी, तो स्कूल से फ़ोन आ गया था कि कुछ काम है मुझे अर्जेंटली वहाँ जाना पड़ेगा। तो एक बाहर एक भुट्टे वाला आया था तो बेटा दो भुट्टे लेकर आ गया, हमने कहा चलो इसी को खा लेते हैं, ये हो गया हमारा नाश्ता और दिन में भूख लगेगी तो फिर उसी हिसाब से बनाएंगे। और ये दाम से खा तो रही थी लेकिन ये दांतों में फंस रहा था, पहले सोच रही थी कि क्या कहते हैं आधा ही खा लूँ, फिर मैंने कहा चलो इसे खा लेती हूँ उसके बाद दवाई भी मैं खा लूँगी क्योंकि आज के लिए नाश्ते का बहुत अच्छा तरीका है ये। और बेटे ने मतलब ऑन कर दिया था क्योंकि डेली हम लोग क्या दिखाएँ क्या नहीं दिखाएँ समझ में नहीं आता है। और ये देखिए मैं खा रही हूँ भुट्टा, तो आप लोग भी खा लीजिए, पहले आप लोगों से पूछा नहीं। और आज बाल धोए हैं ना तो बाल बार बार मुंह में आते हैं, इसी वजह से मैं बालों में प्रांदी लगाती हूँ, मतलब जो बालों को कस के बांधती हूँ क्योंकि बाल सिर में है नहीं और जितने भी है तो वो बस ये कोई छोटा है कोई बड़ा है तो इक्वल नहीं है, तो बस ये बहुत परेशानी होती है जिस दिन मैं बाल धोती हूँ, दिन भर मैं परेशान होकर रहती हूँ। तो फटाफट से खा रही थी भुट्टा, फिर मुझे तैयार होकर फिर जाना है स्कूल और जो भी काम होगा उसे करके आती हूँ और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। अब थोड़ी बहुत मेरी चोट हो गई है ठीक, थोड़ा बहुत दिख भी रही होगी आपको माथे में, बस इसी से इतना ब्लड आया था। और मिलती हूँ आपसे स्कूल से आने के बाद मैं कि पूरे दिन भर में क्या करती हूँ। तो बेटे से बोल रही थी हटा दे इसे, तो मिलती हूँ अभी स्कूल से आने के बाद। नमस्कार, तो फ्रेंड कैसे हैं आप, मैं अच्छी हूँ, वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। और जब भी बात करने बैठती हूँ यही बात कह देती हूँ कि आपका वेलकम है, तो चाय बीच में कर रही हूँ चाय एंड में कर रही हूँ, तो आदत सी बन गई है। और कैसे हैं आप सब लोग, मैं अच्छी हूँ। और आज गई थी मैं स्कूल थोड़ी सी देर के लिए, कुछ काम था तो मैंने कहा चलो आपसे सुबह बात करने की सोच रही थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो बस जस्ट अभी आई हूँ तो मैंने कहा चेंज करने से पहले कर लेती हूँ आपसे बात, नहीं तो रोज ऐसे ही वैसे ही बैठे होते हैं तो घर में ऐसे ही सब चलता रहता है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ। और कैसे चल रहा है आप लोगों का, मैं तो ठीक हूँ, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग कैसे हैं। बस थोड़ी सी आंखों की प्रॉब्लम हो रही थी और आंखों की प्रॉब्लम जिसको भी सुनती हूँ यही सुन रही हूँ कि आजकल की आंखों की प्रॉब्लम हो रही है, आंखों की प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग भी बार बार थोड़ी थोड़ी देर में ठंडे पानी से इसको मतलब मुँह को धोइएगा, मतलब आँखों को धोइएगा। और फ़ोन से दूर रहने के लिए बोला है डॉक्टर ने, तो फ़ोन से दूर कैसे रहें, फ़ोन से दूर तो रहा नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ी हम लोगों के साथ शायद यही दिक्कत हो रही है कि हम लोग फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि अंधेरे में फ़ोन को ना यूज करें, उजाले में ही करें। और कुछ ना कुछ आई ड्रॉप वगैरह जो भी होती है वो भी आँखों में डालते रहें क्योंकि प्रॉब्लम में जिससे भी इस बात को शेयर कर रही हूँ वो मुझे यही बोल रहा है कि यही प्रॉब्लम हो, हमें भी सेम यही हो रहा है,
तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये भी कह रही हूँ कि इस तरीके से अभी किसी को कम हो रही है, किसी को ज़्यादा हो रही है, लेकिन हो सभी को रही है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ आप लोग ट्रीटमेंट लेते रहें, कुछ घर की एक्सरसाइज होती है वो भी करते रहें, खीरा काट के आँखों के ऊपर रख लें, ठंडा महसूस होता है। गर्मी भी बहुत है, गर्मी से भी फर्क पड़ता है। और आज का व्लॉग जो बनाया है मैंने, वो तो आपके साथ में शेयर करूंगी करूंगी। और बस आप लोगों से बस यही मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है, तो प्लीज प्लीज अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जो भी मतलब मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मैं भी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के ब्लॉग को अधिक से अधिक शेयर करती हूँ, जो भी मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो अपने फ्रेंड्स तक, अपने रिलेटिव तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, तो प्लीज आप लोग भी कीजिएगा और एक दूसरे को सपोर्ट कीजिएगा, जिससे हम सब लोग एक साथ हाथ मिला के आगे बढ़ते रहें। तो ये खा रही थी मैं सौंफ खाना खाने के बाद, तो मैंने कहा चलो आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। तो बस बातें करते हैं इतनी सी और मिलते हैं जो भी ब्लॉग बनाने जा रही हूँ उसमें, क्योंकि तो अब करना है मुझे चेंज। तो मिलते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैंने बना लिए हैं बहुत जल्दी जल्दी वाले काम में पराठे, और हरी मिर्च का अचार है, वैसा भी अचार है, तो मैंने कहा चलो इसी को खा लेते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो चुके थे खाना बनाने में, और इसीलिए फटाफट से यही दो दो पराठे हम लोगों ने बना लिए। और आराम से इसको मतलब खा के हम करते हैं आराम, क्योंकि बहुत थक चुकी हूँ, बाहर निकलती हूँ तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और बस यही रहा, और अब हो गया है खाने का काम ख़त्म। तो कर रसोई कर दी है क्लीन, तो देखिए हो गई है ना रसोई भी साफ, सब कुछ बढ़िया हो गया है। तो मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। ओके, बाय बाय, गुड डे।